गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड लिसनर्स, डियर लिसनर्स, मैं आज मॉर्निंग असेंबली में एक जन संवाद करूँगा, पब्लिक कम्युनिकेशन करूँगा और रिसर्च पब्लिक से और प्रेस से और पॉलिटिशियन से साझा करूँगा। आज का जो रिसर्च पेपर है वो हमने इसी भी फोकस किया कि दिल्ली में भीड़ को कम करना, जैसे हमारी ये पेरे फेरी जो सड़क बने KMP KGP, दिल्ली के लोगों की प्राथमिक आवश्यकता वहाँ से प्रदूषण को ख़त्म करना है ताकि वो जी सकें, भावी पीढ़ियाँ वहाँ पल सकें और लोगों की गाड़ी कमाई के भवन निर्माण में और दूसरे व्यवसाय जो करोड़ रुपए की लागत है उसका उस पेड़ का फल खास के। KMP और KGP ने दिल्ली को जीवन दिया है और जीवन हरियाणा को भी दिया है। हरियाणा के पास लाइफलाइन है, यूपी को भी लाभ मिला और तो और वाहन चालकों को भी लाभ मिला, दूरियां घटी और चालन सुगम हुआ, काफ़ी लाभ हुआ। अच्छी बात है, योजनाकारों को, प्लानर्स को, डेवलपर्स को एंड इम्प्लीमेंटर्स को, तीन चीज़ तीन फैक्टर एक साथ काम करते हैं और वो उन तीनों को साधुवाद। आज उसी कड़ी में बता रहा हूँ कि बहादुरगढ़ जैसी बादरी जैसी जगह पर भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी करने का केंद्र विकसित करने पर मैं जोर दूंगा, क्योंकि इस शोध में सामने आया है दिल्ली में छात्रों की बड़ी संख्या दो केंद्रों में अध्ययन को लेकर है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से स्नातक और दूसरी उपाधि प्राप्त करने के लिए और भारतीय प्रशासनिक सेवा में तैयारी करने के लिए लोग दूर दराज प्रदेशों से आते हैं, फार डिस्टेंट स्टेट्स। बहादुरगढ़ और दिल्ली में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, बादली और बहादुरगढ़ दिल्ली से एकदम सटे हुए क्षेत्र हैं और इधर से राजस्थान और हरियाणा और गुजरात यानी अनेकों प्रदेशों के लोग जो हरियाणा के बहादुरगढ़ और इधर बादली से जो जंप करके दिल्ली में जाते हैं उनको रोका जाना बहुत आसान है। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी का केंद्र जब विकसित यहाँ हो जाएगा तो ये माना जा रहा है कि दिल्ली से करीब 10 लाख छात्र बाहर आ जाएंगे, उनके साथ जाने वाली करीब 2 लाख गाड़ियाँ, काफ़ी बड़ी संख्या में दैनिक रूप से भी आती हैं या उनके आने और जाने प्रयोग की जाती हैं और कुछ स्थान विश्व के डेंस पॉपुलेशन वाले क्षेत्रों में बदल चुके हैं, क्राउडेड प्लेस। बहादुरगढ़ के बाहर अभी काफ़ी खुला स्थान उपलब्ध है, स्वच्छ वातावरण उपलब्ध है और सुरक्षा भी उपलब्ध है। ये खास बात है, अभी सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध है, यहाँ सोशल सिक्योरिटी जो दिल्ली के कल्चर में नहीं है, हरियाणा का बहादुरगढ़ चाहे और बादली चाहे दिल्ली के नज़दीकी बैठा हो परंतु अभी वहाँ सोशल सिक्योरिटी अवेलेबल है। एक तो मैं आज ये समाज से साझा करना चाहता हूँ, यदि रोड पर जाते बच्चे का कोई बाइक छीनने का प्रयास करता है, चैन छीनने का प्रयास करता है तो खड़ा बुजुर्ग भी उसकी तरफ लाठी फेंकेगा, इसमें कोई दोराय नहीं है, चोर की तरफ। और नौजवान अगर बाइक पर हैं तो दौड़ा कर चोर को उठा ही लेंगे, पुलिस बाद में आती रहे अपना काम निपटाने के लिए। तो यहाँ सामाजिक सुरक्षा का वातावरण भी, ये बहुत बड़ी बात है और हरियाणा सरकार से मैं शुरू से इस तरह प्रार्थना करता रहा हूँ कि अपने पुलिस बलों को कहें कि न्यायिक विवाद बाद में चलते रहेंगे, वाद विवाद चोर और उत्पीड़कों को भगने नहीं थे। अगर उनको यदि हत्या भी नहीं की जाए तो कम से कम लुढ़का जरूर दिया जाए, इस चीज़ की चूक ना की जाए। जब दूर प्रदेशों या दूसरे प्रदेशों अपने प्रदेश का कहीं का अपराधी इधर जब आए
तो ये जरूर करे पुलिस की, उनको लुढ़का जरूर दे, यानी गिरा दे, घायल जरूर कर दे ताकि वो दौड़ ना पाए। ये कोई ज़्यादा बड़ा अपराध नहीं है। अपराधी को भगने देना एक उससे भी बड़ा अपराध बनता है। तो ध्यान रखें, मैंने सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ प्रशासनिक सुरक्षा, पुलिस सुरक्षा को भी चाक चौबंद करके दिखाना है ताकि लोग अपने बच्चों को यहाँ खुले मन से छोड़ सकें। और इसके लिए हरियाणा सरकार से मैं कहूँगा कि साथ दें, चैनल इस चीज़ के लिए तैयार है। भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी के अंदर अगर यहाँ खड़ा होता है तो मैंने हमेशा शुरू से ही कहा है कि मैं आगे आकर अधिक से अधिक अनुदान और शैक्षिक सहयोग, टीचिंग असिस्टेंट्स के लिए तैयार मिलेंगे। जैसे आपको पता है कि चैनल सोशल साइंसेज पर विशेष रूप से कार्य कर रहा है, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस की बात हो, हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ तक के विषयों को कवर करता है। तो जब बायजूस जब बाजीरा हो उससे बेहतर सेवाएं हम यहाँ उपलब्ध कराने को तैयार हैं। अगर यहाँ संस्थान अगर शुरू होता है तो मैं आश्वस्त करता हूँ अभिभावकों को और स्टूडेंट्स को, बच्चों को भी, कि एक दौर बदलने वाला है। आजकल लोग आठवीं बाद अपने बच्चों को स्कूलिंग से बाहर निकाल के कोचिंग की तरफ ला रहे हैं। पहले हम भी सुनते थे, बच्चे थे तब टीचरों के मुँह से, कि हमारे यहाँ व्यवस्था सुधार मांग रही है, रूस के बच्चे को, अमेरिका के बच्चे को आठवीं के बाद पूछ लिया जाता है तेरे को क्या करना है। अब हमारे वाले पूछ रहे हैं, घबराइए मत, एट तक बच्चा खेलने कूदना लिखना बोलना सीखता है, उसके बाद में उसके करियर काउंसलिंग शुरू हो जाती है कि बेटा IIT में जाएगा या MD करके बेटा डॉक्टर बनेगा या पॉलिटिशियन बनेगा या प्रबंध शास्त्री बनेगा या भारतीय प्रशासक बनेगा। आठवीं बाद बच्चों ने लाइन चुन ली है। जागरूक अभिभावक और बदलता परिवेश उधर आ चुका है। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि बहुत बड़ी संख्या प्रशासन सेवा की तैयारी वाले बच्चों के आनी है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के लिए बच्चे जा सकते हैं, पर फिलहाल वो स्कूलिंग को छोड़कर कोचिंगों में आ रहे हैं तेज़ी के साथ। जो हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग की अवधारणा जो लेकर आए थे शिक्षाविद और केंद्र सरकार, वो आज अमली जामा पहनती दिखाई दे रही है, साकार होती दिखाई दे रही है। तो मैं यही कहूँगा, बहादुरगढ़ बादली या गुरुग्राम, जहाँ भी स्टेशन उपलब्ध हो, या सोनीपत, फरीदाबाद, किसी स्थान पर आसानी से भूमि उपलब्ध हो। और आगे आने के लिए मैं यहाँ के स्थानीय सांसदों से कहूँगा कि सोनीपत सांसद, रोहतक सांसद, गुरुग्राम सांसद और फरीदाबाद सांसद, जो इसमें आगे पहल करेगा, जो अपना चेहरा नुकीला करके दिखाएगा कि मैं आपका सहयोग करने को तैयार हूँ, दो कदम हम उसी लोकेशन को चुनेंगे, जनता को बता देते हैं, क्योंकि संस्थान से वहाँ की स्थानीय जनता को लाभ होना है। और इससे जनप्रतिनिधियों का चेहरा भी आपके सामने लग जाएगा कि इन चारों सांसदों में कौन प्रतिस्पर्धी बनता है, कौन आगे पहल करता है। हाँ, हम जरूर बता चुके हैं कि कहना आपको है, अभिभावकों का ना, और इसके लिए चैनल जो है वो पूर्ण रूप से मैंने पहले कह दिया, यहाँ किसी सांसद से कम आपको सहयोग नहीं मिलेगा। और इस संस्थान को जल्दी से जन संस्थान, मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि किसी एक के कंधों पर नहीं, टाटा भी यहाँ निवेश कर रही है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, मैं सिर्फ यहाँ फ्लैट ना बेचे, मैं उसे भी कहूँगा कि वो इधर आए हुए संस्थान में अपना हाथ आजमाए और कुछ आगे बढ़कर काम को संभाले। यहाँ ज़्यादा दानियों की ज़रूरत नहीं, निवेशकों की ज़्यादा ज़रूरत है। पैसा फीस से बहुत बड़ा जनता था, पहले कम से कम जो है 100 से लेकर 500 करोड़ तक की लागत का संस्थान प्रारंभिक दौर में होगा। आगे हालांकि इसकी लागत बहुत बड़ी होनी है, छोटी नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि इनमें जो सांसद आगे चलकर हाथ उठाएगा, हम उसके साथ और संस्थान भी स्थापित हो जाएगा, और इससे दिल्ली सरकार को भी लाभ होगा। दिल्ली हरियाणा सरकार जॉइंट वेंचर भी चला सकते हैं इसके लिए, साझा प्रयास। धन्यवाद।